हेलो भाई लोग, तो क्या आप लोगों को ये वीडियो बनाने के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है तो टेंशन क्यों लेते हैं यार आप लोगों का भाई है ना, आप लोगों को कंटेंट देने के लिए। एंड भाई लोग, इस वीडियो में आपको जिस तरह का एडिटिंग सिखाऊंगा वो आप इजीली सिंगल ही कर सकते हो। इसलिए आपको गेम में कोई भी फ्रेंड या कोई भी भाई लोग आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजिली आप जाके सिंगल ही रिकॉर्डिंग करके इजिली इसको एडिटिंग कर सकते हो। तो उससे पहले भाई लोग इसका प्रीव्यू देख लो। तो भाई लोग, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो केएसएन भाई का है जो अभी के टाइम पे वायरल चल रहा है। भाई ने कुछ ही वीडियो से यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइब गेन कर लिया है, क्योंकि भाई का यहाँ पे जो यूनिक कंटेंट है और भाई का यहाँ पे हर एक वीडियो वायरल भी जा रहा है। सो भाई लोग, और आप भी इसी तरह का यूनिक कंटेंट, इसी तरह का एडिटिंग करोगे ना तो इजीली भाई लोग आप लोगों का भी अच्छा खासा व्यूज आएगा और आपका वीडियो वायरल जाएगा। लोग, इस तरह का जो एडिटिंग मैं आपको सिखाऊंगा ये भाई लोग बस इस तरह का ही नहीं है, ठीक है। आप किसी प्लेस पे जाके एडिटिंग इजीली कर सकते हो और भाई लोग हमेशा इस तरह का वीडियो अपलोड करके अच्छा खासा व्यूज छाप सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग, इस तरह का एडिटिंग करना बहुत दीजिए, बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना है। अगर स्किप वगैरह करोगे तो इसमें आप ही का नुकसान है, आप इस तरह का एडिटिंग नहीं सीख पाओगे और वीडियो भी नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए लोग, आप इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, फुली वॉच कर लेना और एडिटिंग जरूर सीखना। एंड लोग, मैं आप लोगों का कितना हेल्प कर देता हूं, तो क्या आप लोग मेरा हेल्प नहीं करोगे? तो बस भाई लोग, आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। एंड लोग, जाते जाते जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर देना है जिससे मैं आप लोगों का चैनल को चेकआउट कर। तो चलिए रिकॉर्डिंग की ओर। तो भाई लोग, इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए सिंपली आपको इस वाले क्राफ्टल मैप को स्टार्ट कर देना है। एंड भाई लोग, इसका मैप कोड एंड पासवर्ड मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना है। एंड भाई लोग, सिंपली आपको इस वाले क्राफ्टल मैप में आना है। एंड भाई लोग, आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको एक रेड वाला बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे फर्स्ट में टेलीपोर्ट बटन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके भाई लोग यहाँ पे आपको जो भीम शक्ति के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाना है। एंड होकर आपको सिंपली इस तरह से आगे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको एक पत्थर दिख रहा है ना, सिंपली उसके पास भाई लोग आ जाना है। यहाँ पे आपको फिर से रेड वाले आइकन पे क्लिक करना एंड स्टोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भाई लोग आपको कोई भी लॉन्ग रेंज खरीद लेना है, ठीक, पेगर गन खरीद लेना है। एंड खरीद के आपको सिंपली इस तरह से पोजीशन ले लेना है एंड आगे की तरफ जाना है। एंड जाके भाई लोग, आप दौड़ते हुए हाथ में गन लेके इस तरह से मार के गन स्विच कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके फोन में एक स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप भी इस तरह से स्क्रीनशॉट कर लेना। एंड करके फिर से इस पावर वाले आइकन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको इनविजिबल हो जाना है, जिससे यहाँ पे आपका कैरेक्टर गायब हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर से आपको एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है, तो ध्यान से स्क्रीनशॉट कर लेना है तो आपका वीडियो नहीं बन पाएगा। एंड फिर से इसको यहाँ पे विजिबल कर लेना है। एंड यहाँ पे भाई लोग, आपको फिर से लोकेशन पे इस वाले यहाँ पे जो लोकेशन पे आ जाना है, ठीक है, ऑब्जर्व फैक्ट्री पे आपको आ जाना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आके इस तरह से घर के ऊपर उठना है एंड आगे आपको यहाँ पे पीक देखने को मिल जाएगा, तो पीक के थोड़ा सा ही आपको साइड में खड़े होना है एंड स्क्रीनशॉट कर लेना है। एंड स्क्रीनशॉट करने के बाद भाई लोग, फिर से आपको क्या करना है, गन हाथ पे लेकर इसको यानी जो पीक के तरफ आपको एक गोली फायर कर देना है। एंड उसके बाद फिर से आपको गन को स्विच कर देना है। एंड उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जो यानी जो रेड वाले आइकन पे क्लिक करें, पावर पे क्लिक करके इनविजिबल होना है। एंड होकर आपको फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ध्यान से करना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से इस वाले लोकेशन पे गाड़ी लेके आ जाना है और इस वाले टावर पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो ये वाला जगह है, तो इस वाले लोकेशन पे आप गेम पे आ जाना। यहाँ पे भाई लोग, आप इजीली यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आकर भाई लोग, आपको सिंपल यहाँ पे जो इस तरह से अच्छा से पोजीशन ले लेना है। पोजीशन लेकर आपको क्या करना है, गन हाथ पे लेके एंड पहले आपका गन पीछे रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट करना उस वक्त, और उसके बाद फिर से आपको अपने हाथ पे गन लेके इस तरह से फायर करके फिर गन पीछे कर लेना। एंड फिर से भाई लोग, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट एक कर लेना। एंड उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जो रेड वाले आइकन पे क्लिक करके पावर पे क्लिक करके इनविजिबल हो जाना है। एंड होकर फिर से एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे कर लेना है अपने फोन पे। एंड उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस वाले यानी लोकेशन पे आ जाना है। इसका नाम क्या है भाई लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड आकर आपको सिंपली फिर से इस यानी जो इस तरह से साइड पे खड़े हो जाना है। एंड खड़े होकर आपको फिर से यहाँ पे हाथ पे गन लेना है एंड यहाँ पे आपको एक गोली चलाकर भाई लोग फिर से गन स्विच कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको फिर से एक स्क्रीनशॉट कर लेना है। एंड स्क्रीनशॉट करने के बाद उसके बाद फिर से इस रेड वाले आइकन पे क्लिक करना, पावर के ऊपर क्लिक करके फिर से आपको इनविजिबल होना है और होकर फिर से आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट कर लेना है। एंड भाई लोग, इतना काम करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जो टेलीपोर्ट हो जाना है भीमा शक्ति पे, तो होने के बाद भाई लोग आपको सिंपली यहाँ पे फिर से आ जाना है, आके इस वाले जहाँ से हम दौड़ते थे, ठीक है, यहाँ पे आना एंड फिर से इस तरह से इनविजिबल हो जाना है। एंड होकर भाई लोग, यहाँ पे आपको फिर से एक स्क्रीनशॉट कर लेना है। एंड स्क्रीनशॉट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे विजिबल हो जाना है, फिर से एक स्क्रीनशॉट कर लेना है। सो इतना रिकॉर्डिंग करना है आपको। तो भाई लोग, इसको एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, तो मैं अभी सिंपल यहाँ पे इसको कटिंग वगैरह करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको इनशॉट पे ही करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप काइनमास्टर पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि भाई लोग कैपकट में करता बट वहाँ पे जो कॉम्प्रोसिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको कटिंग वगैरह करके दिखाऊंगा और बाकी चीज़ कैपकट में मैं आपको करूँगा, ठीक है। तो देखो, सिंपली आपको यहाँ पे अपना वीडियो को ले लेना है, चाहे आप काइनमास्टर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको लेने के बाद यहाँ पे जो इसका जो रेशियो 1:1 सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और इसको जूम कर लेना है। सो मैं पहले से ही कर लिया हूँ। यहाँ पे आप इसको कटिंग
कटिंग वगैरह अच्छे से करना, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो मैंने इतना कटिंग वगैरह करके रखा था, जैसे मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ और यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो बेकार का पार्ट थोड़ा सा आ रहा था, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। और जहाँ पे मेरा इनविजिबल था और उसके पीछे वाले लोग मेरे यहाँ पे पूरा पार्ट यहाँ पे मेरा बेकार का है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं रखूंगा, सिंपली मैं देखता हूँ मेरा यहाँ पे जो कौन सा अच्छा पार्ट है। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे यहाँ पे भाग के आ रहा था और यहाँ पे वह लोग मेरा मेन जो मेन सीन मेरा यहाँ पे था, तो मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे स्प्लिट करके डिलीट करूँगा। सो मैं दिखाता हूँ आप भी ऐसे ही करना। तो भाई लोग देखो यहाँ पे जो मेरा बेकार का पार्ट यानी जो इसका पीछे पूरा बेकार है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे भाई लोग आ चुका है, एंड उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा फिर से जहाँ पे मेरा बेकार का पार्ट था सिंपली उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे डिलीट कर देना। तो भाई लोग मैं यहाँ पे जो मेरा स्प्लिट करके मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। हेलो, अभी जो आपने देखा जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके डिलीट किया है, सिंपली आप भी इस तरह से अपना बेकार का पार्ट डिलीट कर लेना। एंड जो जो पार्ट भाई लोग आपको चाहिए वीडियो के लिए एंड जिस तरह से मैं दिखाया है, सिंपली इस तरह से आपको भी कर लेना है। एंड करने के बाद भाई लोग यहाँ पे आपको और एक काम करना है। तो देखो जैसे मेरे यहाँ पे कैरेक्टर गायब होता है और डायरेक्टली यहाँ पे आता है, ठीक है, मतलब जैसे मेरा सीन चेंज होता है डायरेक्टली मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो वो नहीं करना, पहले हमें यहाँ पे खाली जगह दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड डुप्लीकेट इसके ऊपर प्रेस करके रखना एंड इसको इसके आगे ला के देना। सो अभी देखो यहाँ पे जैसे ही गायब हुआ और यहाँ पे भाई लोग फिर गायब एंड फिर आएगा, ठीक है। तो अभी भाई लोग ये सही लग रहा है, तो आप लोग इस तरह से करना। एंड यहाँ पे लोग आपको दूसरा सीन को भी इस तरह से यानी डुप्लीकेट करके यहाँ पे लाके ऐड कर देना है। एंड लास्ट में भाई लोग यहाँ पे फिर से इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लाके ऐड कर देना है। सो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे फिर से मैं डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करके इसको मैं इसका यहाँ पे आगे लाके रख दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में इसको डुप्लीकेट करूंगा और डुप्लीकेट करके इसको मैं यहाँ पे इसके आगे लाके रख दूंगा। अभी भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से हुआ है। तो देखा भाई लोग गजब का हो चुका है, तो आप भी इस तरह से कर लेना। एंड करने के बाद यहाँ पे और कुछ नहीं काम करना, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर देना जिससे एक्सपोर्ट में यहाँ पे अच्छा खासा क्वालिटी आ सके। तो यहाँ पे फिल्टर पे आना और अगर आप यहाँ पे काइन मास्टर का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको भी एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ से कर लेना। बट भाई लोग अगर चाहो तो आप इसको कैपकट में भी इस तरह से कटिंग वगैरह कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरा यहाँ पे कॉम्प्रोसिंग ले रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे इजीली लाके आपको दिखा दिया हूँ। सो आप जहाँ भी करोगे बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा। सो आप इसी तरह से फॉलो करके अच्छे से यानी स्प्लिट वगैरह करके अच्छे से क्लिप बना लेना। तो इतना काम कर लेना भाई लोग, एंड इसको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। और करने के बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एंड भाई लोग इसको एक्सपोर्ट करने के बाद मैं कैपकट में लेके जाकर बाकी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। तो सिंपली वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना एंड यहाँ पे लाके कैपकट में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। एंड भाई लोग इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे क्लिप पूरा एकदम मस्त है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें एडिटिंग करेंगे और इसका जो ऑब्जेक्ट वगैरह को हटा देंगे। तो इसके लिए भाई लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे ना तो ईजिली सीख जाओगे। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह दौड़ के आ रहा था और जैसे भाई लोग मैं यहाँ पे फायरिंग कर देता हूँ, इसका आपको यहाँ पे थोड़ा पीछे आना है, ठीक है, थोड़ा पीछे आना है। एंड जैसे मैं यहाँ पे खड़ा था आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद आपको इस वाले पार्ट पर रहना, हिलाना नहीं अपने यानी जो कैमरा एंगल को, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले इसको सिंपली फ्रीज कर लेना। एंड फ्रीज करने के बाद आपको क्या करना है, इस जो आपका फ्रीज वाला लेयर के ऊपर क्लिक करना एंड इसको ओवरले में कन्वर्ट कर लेना। सो ओवरले में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर से इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करके यहाँ पे जो आ जाना है कटआउट पे और रिमूव बैकग्राउंड, जैसे ही करोगे इसके यहाँ पे जो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपको कैरेक्टर का एक PNG मिल जाएगा। देख सकते हो इसको हिलाना मत, आपको जैसे जिस तरह से हुआ है उसी तरह से रखना है। एंड इसके बाद उसके बाद हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट काम करना है, हमने जो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट्स वगैरह किया था ना, उसको अभी रीटच में लेके जाके भाई लोग उसका ऑब्जेक्ट हटाएंगे। तो देखो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप भी इस तरह करना। तो भाई लोग इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे रीटच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो होने के बाद सिंपली ऊपर में यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद भाई लोग यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे फोटोज वगैरह आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो स्क्रीनशॉट किया था इसको यहाँ पे आप ऐड कर लेना है क्लिक करके। तो यहाँ पे सिंपली ऐड करने के बाद भाई लोग क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी जो ऑब्जेक्ट को हटाना है, सो अभी हम लोग फिलहाल एक घर को हटाना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे जो इस तरह से इरेज कर देना है, इरेज करके नीचे रिमूव वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे भाई लोग AI कुछ ही यानी कुछ ही टाइम लेगा आपका यहाँ पे फोटो को यानी जो ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए। सो यहाँ पे आप थोड़ा देर वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपली यहाँ पे जो AI मेरा यहाँ पे जो इसको हटा दिया और अभी देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भाई लोग इस तरह से कर लेना। एंड करने के बाद सिंपली क्या करना है, ऊपर में यहाँ पे टिक का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे आप सेव कर लेना। सो यहाँ पे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपको दूसरा वाला यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट को ऐड करके आपको फिर से यहाँ पे जो इस टावर को यहाँ पे अच्छे से जो मिटा देना है, ठीक है। बट भाई लोग यहाँ पे आप मिटाओगे ना तो अच्छे से नहीं होगा, सो आप दो तीन बार मिटाना सो हो जाएगा। एंड इसको भी लोग मिटा के आप सेव कर लेना। फिर से यहाँ पे जो मेरा जो भीमा शक्ति वाला जो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट किया था इसको यहाँ पे आप अच्छे से ऐड कर लेना। एंड ऐड करके यहाँ पे भी इसको भाई लोग इसका जो आधा
ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप हटा देना। सो यहाँ भी करोगे ना तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ भी वैल्यू आप दो तीन बार अच्छे से यानी हटाना, सो इजीली आपका भी। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो तीन इमेज का ऑब्जेक्ट को हटा लेना। तो चलिए वैल्यू आप एडिटिंग करते हैं। हेलो, आप लोग भी इसी तरह से रीडर्स से यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट वगैरह को रिमूव कर देना। एंड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे कैपकट में आना है। एंड आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही खड़ा था तो ज्यादा नहीं वैल्यू, बस इतना सेकंड तीन सेकंड यहाँ पे रखना। एंड यहाँ पे स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करने के बाद अपने ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना। एंड क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस में जाके हमने जो वो फोटो को जो यहाँ पे मैंने जो इरस किया था सिंपली इसको यहाँ पे लाइक करके ऐड करना है। ठीक है, तो देखो वैलो सिंपली मैं यहाँ इस फोटो को ऐड कर लिया और अभी देख सकते हो पूरा टूटा हुआ लग रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे इसे गोली चलाया और वैलो यहाँ पे जो इजीली टूट गया है, देखने में ऐसा लग रहा है कि टूटा है। तो उसके बाद क्या करना है, फिर से एट ओवर ले के ऊपर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करके वैलो हमने जो यहाँ पे जो इसका PNG बनाया था, ठीक है, तो वैलो ये PNG आप इजीली बना सकते हो। सो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है व्हाट्सएप चैनल पर मैं दे दूंगा। इसका PNG आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर लेना, बट अगर आप बनाना चाहते हो तो बहुत ही ईजी है। सिंपली यहाँ पे लाके इसको क्रॉप करके स्क्रीनशॉट कर लेना। एंड यहाँ पे किसी भी क्रोम ब्राउजर में जाके इसको यहाँ पे ये कर लेना, ठीक है, यानी जो बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। सो इजीली आपका यहाँ पे मिल जाएगा। बट भाई लोग आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका यानी जो सारा PNG मैंने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया है। सो आप वहाँ से सिंपली कलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह से ला देना। और मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव नहीं किया था तो इसके लिए मैंने इसको हटा दिया। तो पहले यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना। एंड क्रॉप करने के बाद अगर आप हाथ से करोगे ना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, एडजस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको बेसिक मिलेगा, ठीक है, बेसिक वाला का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वालों का आप इसको इसका डायरेक्शन अच्छे से एडजस्ट कर लेना। सो इसके लिए जाके सबसे पहले थोड़ा छोटा कर लेना है। एंड छोटा करके यहाँ पे जो इसको फिर पोजिशन पे आकर अच्छे से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे टूट के पड़ रहा है। तो देखो अभी मेरे यहाँ पे पूरा बढ़िया एडजस्ट हो चुका है। तो इसके बाद क्या करना है, फिर से अपना उस वाले जो PNG के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करके आपको उसके बाद आ जाना है मास्क पे। एंड यहाँ पे वालों आपको जो VPN कनेक्ट करना है नहीं तो वर्क नहीं करेगा। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है, ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई बॉर्डर ही नहीं दिखेगा। तो देखो अभी ये सही लग रहा है। और इसको यहाँ पे क्या करना है, फिर से बेसिक पे आके अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो हेलो इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे की फ्रेमिंग करना है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको गोली मार दिया और गोली मारने के बाद इसका यहाँ पे जो मैंने इस PNG एड किया है सिंपली इसको इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड फर्स्ट में की एड कर देना। एंड थोड़ा आगे जाना, बस थोड़ा की एड करके सिंपली बेसिक पे आ जाना। अगर आप यहाँ पे हाथ से करोगे ना एकदम घटिया बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे की एड करके बेसिक पे आना है। एंड आके इसको यहाँ पे रोटेट कर देना है। सो हेलो मैं जिस तरह से जितना डिग्री रोटेट करता हूँ सिंपली आप भी इस तरह से करना, ठीक है। यहाँ पे एंड भले रोटेट जब करो तो स्केल पे आके थोड़ा छोटा भी कर देना है, जिससे ऐसा लगे कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, यानी पूरा रियलिस्टिक आपको दिखाना है। तो इसको थोड़ा छोटा करना। एंड छोटा करके आपको यहाँ पे इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेना। सो अभी देख सकते हो भाई लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से इसको एडजस्ट मैंने कर दिया है। सो अभी यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे और थोड़ा कर दूंगा। तो अभी देखो भाई लोग मैं आपको थोड़ा प्ले करके भी दिखा तो यहाँ पे किस तरह का सीन बना है, देख सकते हो अभी पूरा एकदम गजब का बन चुका है। सो अभी भाई लोग इस तरह से कर लेना। काम करने के बाद आपको देखो उसके बाद यहाँ पे जैसे ये गिर रहा है तो यहाँ पे बस इसको रहने देना है। एंड इतना काम करने के बाद आपको सिंपली अपने जो ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करके आपका जो यहाँ पे जो ये हटा देना, ठीक है। देखो अभी ये जैसे गिरा और यहाँ पे थोड़ा सा ये आएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है, यानी आपका यहाँ पे PNG को डिलीट कर देना है। एंड बाकी ये जगह थोड़ा छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपको इसको भी थोड़ा यहाँ तक रख देना है। एंड यहाँ पे जो हमारा पहला काम खत्म होता है, यानी हमारा जो पहला सीन बन चुका है, अभी वो लोग हम दूसरा सीन को बनाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे खाली जगह आया था और जैसे मेरा कैरेक्टर आता है एंड वो लोग जैसे यहाँ पे इसको मार देता है यानी तोड़ देता है। तो देखो जैसे ये गोली चला जाता है आपको क्या करना है, चलो देखो जैसे यहाँ पे गोली चला के इस तरह से खड़ा होता है तो सिंपली आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे स्प्लिट लगाना है। स्पीड लगाने के बाद फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसका जो यानी जो इसको फ्रीज कर लेना है, यानी एक स्क्रीनशॉट बना लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली वाले लोग इसको यहाँ पे ओवरले में कन्वर्ट कर लेना। एंड ओवरले में कन्वर्ट करने के बाद अभी हमें इसको तोड़ना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे भीमा शक्ति तोड़ा था ना, तो सिंपली इसको भी हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से मार दिया और यहाँ पे वाले लोग इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद वाले लोग हमने जो रीटस से यहाँ पे जो इसको इरस किया था यानी रिमूव किया था ऑब्जेक्ट, तो सिंपली वो वाला यहाँ पे जो फोटो को ऐड करना है। तो देखो जैसे मैं इस तरह से यहाँ पे खड़ा था एंड यहाँ पे मेरा दूसरा सीन आ रहा था, तो सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे स्पीड लगा के इसका यहाँ पे जो इसको रिप्लेस कर दूंगा जिस तरह से उस पर किया था। तो सिंपली वैल्यू इसको आप रिप्लेस करना। एंड रिप्लेस करने के बाद फिर से नीचे वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड को हटा देना। सो मैं नहीं हटाया था, तो जैसे इसका बैकग्राउंड को हटा दोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो जैसे इसका आप यहाँ पे बैकग्राउंड हटाते हो तो यहाँ पे इसका ए वगैरह आ जाता है। तो इसको क्या करना है, क्रॉप करके बस हमारे यहाँ पे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसको रख देना है। एंड वैल्यू उसके बाद आपको अपना जो PNG इसके ऊपर क्लिक करके अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग अच्छे से इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आपको अपने जो ये वाला लेयर यानी जो हमारा PNG है सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे पीछे लाना। एंड पीछे लाके हम जो ये यहाँ जिस तरह से खड़ा था सिंपली वैल्यू क्या करना है, इसमें अच्छे से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको बेसिक पे आके यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो।
उसके बाद हम यहाँ पे जो इसका टूटा हुआ पीएनजी को ऐड करना है, तो उससे पहले क्या करना है, इसके ऊपर फिर से आपको क्लिक कर देना है, यानी जो अपने मेन लेयर के ऊपर, एंड फिर से भाई लोग इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्काई का एक यानी जो थोड़ा सा छोटा सा पीएनजी चाहिए, तो इसके लिए इसको कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद फिर से भाई लोग इसको ओवरले में कन्वर्ट कर लेना है। एंड ओवरले में कन्वर्ट करने के बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक करके इसको यहाँ पे भाई लोग एडिट पे आके इसको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। बस यहाँ पे स्काई वाला जो सीन है इसको आप यहाँ पे क्रॉप करना है, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से भाई लोग आप लोग भी करना है। तो देखो इस तरह से आप लोग भी कर लेना। एंड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से छोटा कर लेना, एंड छोटा करके आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है मास्क पे, देखो मास्क पे आना है, एंड रेट एंगल पे आके इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है, लंबा कर लेना है। लंबा करके इसको इस तरह से मतलब थोड़ा सा इसका फेदर को थोड़ा सा दे देना है फेदर को। एंड इसको इतना काम करने के बाद इसको ऊपर में इस तरह से यहाँ पे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। सो अगर यहाँ पे आपका वो जो दिखता है ना, तो इसको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे फिर से इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे दो तीन बार कॉपी करना है, सो आपका यहाँ पे हट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेना। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे जो इसका टूटा हुआ पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, सो इसके लिए मैंने भी इसका यहाँ पे पीएनजी अगले से बना के रखा है, सो मैं आपको अभी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, सो आप इजीली यहाँ से भी कलेक्ट कर लेना। सो वाला ऐड करके इसके यहाँ पे लेयर 5 कर देना, जिससे सबका आगे आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है मास्क पे, और मास्क पे आने के बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे इस तरह से आधा काट देना है, एंड इसको टिक करना है। एंड टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको छोटा करके इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो इसको पहले यहाँ पे अच्छे से लगाना और बेसिक में आके आप इसको अच्छे से और भी अच्छे से कर लेना। तो इतना काम होने के बाद देख सकते हो अभी मेरे यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा इस सारे चीज़ को आगे लेके आ जाना है। एंड भाई लोग इतना काम करने के बाद फिर से हमने जो वहाँ पे भीमा शक्ति भी जिस तरह से किया था, सिंपली यहाँ पे भी आपको कर लेना है। सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे क्रिएट कर देना है, एंड थोड़ा इसका आगे आना, एंड यहाँ पे क्रिएट करके आपको फिर से बेसिक पे आना है। एंड बेसिक पे आके मैंने वहाँ पे जिस तरह से रोटेट किया था ना, सिंपली भाई लोग यहाँ पे भी इसको इस तरह से रोटेट करना है। तो अभी देख सकते हो पहले कुछ इस तरह का वीडियो बन जाएगा आपका। इसको यहाँ पे अच्छे से की फ्रेमिंग कर लेना जिस तरह से मैंने किया, आप भी करना। एंड फिर से यहाँ पे इसको इस पे आ जाना, यानी ग्राफ में आना, एंड यहाँ पे इसको इजी वन वाला दे देना। सो देख सकते हो अभी कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड यहाँ पे पहले एक पेड़ भी होता है, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है, बट मैंने यहाँ पे डिटेल से पेड़ को भी हटाया था, तो उसके बाद मैंने पेड़ का भी पीएनजी बनाया है। सो अभी मैं आपको वहाँ पे कलेक्ट यानी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से कलेक्ट कर लेना। सो सिंपल ये पेड़ वाला पीएनजी को ऐड करना है, एंड ऐड करने के बाद सिंपल यहाँ पे इसको अच्छे से लगा लेना। बट पहले आप चाहते हो कि आप दूसरा कोई लोकेशन पे वीडियो बनाने का, तो इसके लिए आप यहाँ खुद से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुद से बनाना बहुत ही इजी, आप जो भी ऑब्जेक्ट का रिमूव करना चाहते हो सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना, एंड क्रोम पे जाके इसके यहाँ पे जो बैकग्राउंड को हटा देना, आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना, एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे ला के रखना। एंड भाई लोग अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो भाई लोग सॉरी यार, क्योंकि मैं आप लोग डिटेल में समझा रहा हूँ, समझ लो, क्योंकि आप इस तरह का वीडियो अगर बनाना सीख जाओगे ना, तो आप किसी भी लोकेशन पे कोई भी तरह का वीडियो आप बना पाओगे इजीली। तो देखो यहाँ पे सिंपली लेना है, एंड लेके सिंपली यहाँ पे बेसिक पे आना, एंड बेसिक पे आके इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करना है, एंड ऊपर की तरफ करके भाई लोग आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पे अच्छे से इसका डायरेक्शन यानी जो इसका साइज को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे इस तरह से लगना चाहिए कि यहाँ पे पहले से पेड़ था, तो देखो अभी यहाँ पे पूरा बराबर हो चुका है, तो इसको टिक करना है। एंड टिक करने के बाद हमारे यहाँ पे जो मेन लेयर की अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रख देना। तो देखो अभी कुछ इस तरह का लग रहा है, बट यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा जो रिटेस से जो हटाया ना ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं जगह उल्टा पुल्टा हो चुका है, तो इसको सही कर देना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देना। तो बस भाई लोग यहाँ पे आपका ये प्रॉफिट हो चुका है, यानी हमारा यहाँ पे दूसरा सीन बन चुका है। इसके बाद क्या करना है, आपका यहाँ पे जो पीएनजी को हटा देना है। सो देख सकते हो अभी कुछ इस प्रकार का हमारा यहाँ पे वीडियो बन जाएगा। सो इतना काम करने के बाद हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट यानी जो नेक्स्ट सीन भी हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। सो एंड भाई लोग इस लोकेशन का मैंने एडिटिंग यहाँ पे आपको नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने जो सेकंड वाला जो यानी जो एडिटिंग दिखाया ना, जिस तरह से टावर वो तोड़ा है, सो सिंपली यहाँ पे भाई लोग आप इसी तरह से करना, तो इजीली यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो देख सकते हो इस तरह से पीएनजी को यहाँ पे आप डिलीट कर देना, और डिलीट करके इसको आप ला के आपको इस तरह से कर लेना है। काम करने वाले लोग हमारे यहाँ पे जो तीन लेयर रेडी हो चुका है, एंड लास्ट वाला बच्चा वाले लोग यहाँ पे जो पिक को हटाना है, तो इसको भाई लोग बहुत ईजी है, ये करना सबसे ईजी है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे हटा, और यहाँ पे लोग जैसे मैंने इसको मार के इस तरह से खड़ा, आपको क्या करना है, उस पोजीशन पे आके यहाँ पे इसको फिर से फ्रीज कर लेना है अपने लेयर को, और फ्रीज करने के बाद आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करना है। तो सिंपल यहाँ पे आ जाना है एडिट पे, और यहाँ पे क्रॉप पे आके इसका यहाँ पे जो स्काई को थोड़ा सा क्रॉप करना है, पहले स्काई को थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप करना है। एंड क्रॉप करने के बाद आपको इसको क्या करना है, आपको इसको यानी ओवरले में कन्वर्ट कर लेना है। सो ओवरले में कन्वर्ट कर लेना, सो इजीली हो जाएगा। अभी इसको इस तरह से छोटा कर लेना है, और छोटा करके जिस तरह से हमने वहाँ पे जो ऐड किया था ना यानी जो मास्क करके, सिंपली इसको यहाँ पे आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
एंड ऐड करने के बाद वैल्यू क्या करना है, फिर से मास्क पे आके इसका थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर को यहाँ पे थोड़ा सा इसको कमा देना है। यहाँ पे थोड़ा सा बेकार लग रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे आना है एंड इसके बाद थोड़ा सा ओपीसीटी को आपको यहाँ पे कमा देना है, जिससे यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखो इसको ओपीसीटी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा ही कमाना है। करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है एंड इसको वैल्यू थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देना है। इसी वैल्यू यहाँ पे हटा दे, आपको की एड करना है एंड की एड करके आपको फिर से आ जाना है बेसिक पे। एंड बेसिक पे आके आपको क्या करना है, फिर से पोजिशन पे आके इसको थोड़ा सा ऊपर करना है एंड वैल्यू इसको बस थोड़ा ही ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद आपको फिर से और एक की यहाँ पे ऐड करना है एंड फिर से आपको बेसिक पे आना है। बेसिक पे आके फिर से इसको नीचे कर देना है। तो देखो जैसे इसको नीचे करोगे, अभी देखना, अभी ऐसा लगेगा कि ये नीचे की तरफ यानी घुस रहा है। देखो अभी यहाँ पे इस तरह से लगेगा कि ये नीचे की तरफ घुस गया। और वैल्यू इसको थोड़ा सा और भी स्पीड कर देना, यानी फिर से यहाँ पे ग्राफ पे आके इसको यहाँ पे आप इजी वन कर देना। सो इसीलिए आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड यानी हो जाएगा। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे आया और ये नीचे की तरफ घुस रहे हैं, वैल्यू इसको क्या करना है, और थोड़ा छोटा कर देना है बेसिक पे आके। सो यहाँ पे आपका लगता है कि आपका यहाँ पे पोजीशन सही नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे सही कर लेना सबसे पहले। एंड करने के बाद उसके बाद हमें जो भीमा शक्ति पे हम टेलीपोर्ट हो रहे थे, ठीक है। करने के बाद वैल्यू यहाँ पे हमारा जो काम खत्म होता है। सो यहाँ पे वैल्यू और कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो बिजली वाला इफेक्ट दे कि हमारा यहाँ पर कैरेक्टर को गायब कर देना है। सो देखो बिजली वाला इफेक्ट आपको कहाँ पे देने में बताया था, जैसे मेरे यहाँ पे कैरेक्टर गायब हो रहा था, सो यहाँ पे फिर से एडो वाले के ऊपर आना है। वैल्यू ए वाला जो यहाँ पे जो बिजली वाला मैं ओवरले एड कर रहा हूँ, सो ये मैं पैक के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल से। सो सिंपली इसको यहाँ पे आप ले लेना एंड लेके वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाना है ब्लेंड में, और ब्लेंड में आने के बाद इसको यहाँ पे फिल्टर कर देना एंड यहाँ पे इसको टिक कर देना। टिक करके इसको इस तरह से छोटा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा इस तरह से बड़ा करना है एंड यहाँ पे इसको अच्छे से ऐड कर देना। एंड ऐड करने के बाद देखो जैसे यहाँ पे गायब होगा, और यहाँ पे वैल्यू जैसे ही गायब हो जाता है आपको यहाँ पे इसको हटा देना है। सो देखो यहाँ पे इसको हटाना है एंड फिर से वैल्यू इसको फिर से यहाँ पे कॉपी करना है एंड कॉपी करके आपको फिर से यहाँ पे लाके ऐड कर देना है। यहाँ पे वैल्यू देखो कुछ इस तरह, जैसे मेरे यहाँ पे कैरेक्टर आता है आपको फिर से इसको हटा लेना है एंड फिर से वैल्यू इसको कॉपी करके आगे की तरफ दो बार रख देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मेरे यहाँ पे गायब हुआ, और यहाँ पे उसके बाद देखो जैसे मेरे यहाँ पे फिर से ये गायब होने वाला होता है, वहाँ पे बिजली वाला इफेक्ट दिया एंड वैल्यू जैसे मेरा यहाँ पे फिर से एंट्री इसका होता है, फिर से यहाँ पे बिजली वाला इफेक्ट दिया एंड फिर से मेरे जहाँ पे गायब होने वाला होता है फिर से बिजली वाला इफेक्ट वहाँ पे भी दे दिया एंड यहाँ पे वैल्यू फिर से इसका एंट्री होगा, फिर से मैंने यहाँ पे एक बिजली वाला इफेक्ट दिया और उसके बाद फिर से इसको कॉपी करूँगा और लास्ट में वैल्यू जैसे यहाँ पे गायब होकर वहाँ पे भीमा शक्ति फिर से आएगा, हवा वैल्यू फिर से मैं कॉपी करके वहाँ पे मैं इसको दे दूँगा। तो देखो जैसे यहाँ पे गायब हुआ और यहाँ पे इसको दे देना, जैसे ही फिर भीमा शक्ति का सीन आता है फिर से जो कॉपी करके वैल्यू वहाँ पे इसको दे देना। सो इजीली आपको यहाँ पे इतना काम कर लेना है। सो इतना काम वैल्यू यहाँ पे आप करने के बाद आपको यहाँ पे अभी कील वाला इफेक्ट लाना है। सो मैं आपको एक बार मैं यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा, सो सारा क्लिप आप ऐड कर लेना। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं वो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फिर से एडो वैल्यू के ऊपर आना एंड यहाँ पे वैल्यू एनिमेशन पे आके इनका वैल्यू फर्स्ट वाला एनिमेशन आपको यहाँ पे दे देना है, 13 वाला एनिमेशन आपको यहाँ पे दे देना है। तो 13 वाला एनिमेशन देखिए, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन 0.2 सेकंड रखता है ना एंड फेड आउट में यानी आउट में आके फेड आउट वाला एनिमेशन दे देना एंड इसका भी डायरेक्शन 0.2 दे देना। देखिए वैल्यू सिंपली क्या करना है, इसको इस तरह छोटा कर लेना एंड छोटा करके इसको ऊपर में अच्छे से एडजस्ट कर लेना। एंड एडजस्ट करने के बाद वैल्यू देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको गोली मार रहा था और जैसे वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको गोली मारा इस तरह से जैसे मैंने गोली मार दिया, सो फिर से आपको आना है एड यानी एड टेक्स पे आना है एंड यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे आप जितना भी डैमेज देना चाहते हो अपने हिसाब से आप दे देना। तो डैमेज देने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इफेक्ट पे आना एंड इफेक्ट पे सॉरी स्टाइल पे आना एंड स्टाइल पे आके इसको यहाँ पे कलर रेड को सेलेक्ट कर लेना एंड इसको इस तरह से छोटा करके यहाँ पे आप अच्छे से एडजस्ट कर देना। एंड एडजस्ट करने के बाद वैल्यू देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से करना, तो वैल्यू इसको एडजस्ट कर लेना एंड जहाँ पे हमारा एंगल आता है इसको थोड़ा ऊपर आपको रखना है एंड जैसे हमारा घर टूटा है इसका यानी बीच पे आपको सेंटर में रख देना है एंड फिर से स्टाइल पे आना एंड स्टाइल में आके आपको यहाँ पे आ जाना है एनिमेशन पे, यहाँ पे 13 वाला एनिमेशन दे देना है एंड इसको वैल्यू यहाँ पे इसको 0.2 सेकंड रख देना है। इतना काम करना एंड वैल्यू ये सारा यानी जो वहाँ पे जितने भी लेयर बताया हो ना वो सारा लेयर पे आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे वैल्यू यहाँ पे बिजली आता है इसको हटा देना और यहाँ पे दो चीज़ को भी हटा देना एंड वैल्यू इसको आप हटा देना एंड वैल्यू इसको कॉपी करके जिस तरह से मैंने यहाँ पे बिजली वाला इफेक्ट लगाया है ना वहाँ वैल्यू इसको भी अच्छे से आप ऐड कर देना और यहाँ पे आपको डैमेज दे देना है। सो वैल्यू इस तरह से आप यहाँ पे पूरे लेयर पे कर लेना और इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली ऊपर में क्या करना है यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना। सो वैल्यू एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको बाकी चीज़ बताता हूँ। तो वैल्यू देखो मेरे यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका था और मैंने यहाँ पे इसको न्यू प्रोजेक्ट करके क्रिएट भी कर लिया हूँ। सो आप भी कर लेना है, काम करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है एडजस्ट पे और यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वालिटी इंक्रीज कर देना यानी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन शेडो हाईलाइट वगैरह आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना शार्पन वगैरह, सो आपका आपको ऑटोमेटिकली क्वालिटी आ जाएगा। तो वैल्यू आपको बस आपको इतना काम कर लेना है, इतना काम करने के बाद मैं आपको बाकी चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो देखो वैल्यू बस आपको यहाँ पे इतना काम करना है एंड यहाँ पे इसको टिक कर देना है, यहाँ पे वैल्यू आपका वीडियो 100% बन जाएगा। बस यहाँ पे आपको और एक इफेक्ट लगा देना है, सो यहाँ पे आपका वीडियो बनेगा और बस यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट दे देना है। तो वैल्यू देखो यहाँ पे जो हमारा वीडियो यानी जो 19% बन चुका है, बस हमें इफेक्ट और इसके यहाँ पे साउंड म्यूजिक ऐड कर देना है, सो हमारे यहाँ पे वीडियो इजीली बन जाएगा।
तो इफेक्ट आने के बाद भाई आपको यहाँ पे जो कैमरा सेक वाला इफेक्ट को दे देना है, यहाँ पे इसको टिक कर देना है एंड टिक करके फिर से एडजस्ट पे आना है इसको। यहाँ पे इसका जो रेंज और स्पीड को यहाँ पे आप 5 या 6K 10K अराउंड में रख देना है। इसको पूरा वीडियो फुल में आपको यहाँ पे दे देना है। इसका यहाँ पे आपको साउंड ऐड कर लेना है, सब लोग साउंड मेरा जो वाला मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, सिंपली इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड करके सिंपली इसका साउंड को यहाँ पे आप जो एक्सट्रैक्ट कर देना। तो सिंपली पहले मेरे ये वाला वीडियो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, सो मैं इसका साउंड भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। सो प्लस यहाँ पे जो जो मैंने जो PNG वगैरह मटेरियल वगैरह फोटोज वगैरह यूज किया है वो सारा चीज़ पहले मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। तो सिंपली वाले जाकर वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना और साथ में वहाँ पे आप फॉलो भी कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे सारा कुछ देता रहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सारा मटेरियल आपको वहाँ पे ही मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल देखो मैं इसका साउंड को ऐड कर लिया और यहाँ पे एक बार वीडियो देख लेना है। सो देखो यहाँ पे मेरा साउंड पूरा अच्छे से इसका एडजस्ट भी हो चुका है, सो आप भी इस तरह से पहले अच्छे से एडजस्ट करके अपने वीडियो को बनाना। सो यहाँ पे आपका वीडियो 100% बन चुका है और कुछ भी काम नहीं है। तो सिंपल इसके बाद क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे इसको सारा चीज़ फुल करके इसको यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लेना है। सिंपल इसको यहाँ पे आप इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना। तो जब तक एक्सपोर्ट हो रहा है अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा एंड वो लोग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो जरूर जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए आपको एक फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ।